फिरोज़ खान के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर। ये बड़ी खबर उनके फैंस के लिए खुशी की होगी या गमी की, इसकी तो समझ नहीं आ रही, लेकिन मरूफ अदाकारा फिरोज़ खान ने आखिरकार अब दूसरी शादी कर ली है। और इस बात को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नहीं और ना ही किसी आर्टिकल ने, बल्कि खुद फिरोज़ खान ने कंफर्म किया है कि उन्होंने हाल ही में दूसरी शादी कर ली है। ना सिर्फ उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है, बल्कि अपनी शादी की खूबसूरत सी तस्वीरें भी अपने फैंस के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं, जिसमें ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। चलो जल्दी से आपको भी बताते हैं कि फिरोज़ खान ने इस खूबसूरत हसीना के साथ कब, क्यों और कैसे शादी की थी, और इस बारे में डिटेल से जानने के लिए हमारी इस वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के मशहूर और मरूफ अदाकारा फिरोज़ खान ने दूसरी शादी कर ली है। हाल ही में अदाकार फिरोज़ खान ने सोशल मीडिया की फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने ऑडियंस को यह खबर दी कि वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में अदाकार को अपनी दूसरी अहलिया के साथ देखा जा सकता है। अदाकार ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि मेरी ज़िंदगी में खुश आमदीद खूबसूरत। गैर मुस्तका खबरों के मुताबिक फिरोज़ खान की नई दुल्हन का नाम दुआ है, और इसके नाम को भी खुद फिरोज़ खान ने ही कंफर्म किया है, क्यों ना कि इन्होंने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा था फिरोज़ की दुआ। और उसके अलावा फिरोज़ खान ने इनके साथ बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीरें भी शेयर की हैं, और इस दुआ का ताल्लुक किसी भी शोबिज़ इंडस्ट्री से बिल्कुल भी नहीं है। इनके और फिरोज़ खान के ताल्लुकात काफ़ी पुराने हैं। डिवोर्स देने से पहले फिरोज़ खान इनके साथ रिलेशन में थे, यही वजह थी कि इनकी पहली अहलिया यानी कि अलीज़े ने इनसे तलाक ले ली थी। वाज़ा रहे कि फिरोज़ खान ने मार्च 2018 में अलीज़े सुल्तान से पहली शादी की थी, जिनका शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं था। अलीज़े सुल्तान और फिरोज़ खान की शादी महज 4 साल ही चल सकी, और दोनों ने सन 2022 के इख्तिताम तक तलाक की तस्दीक कर दी थी। और इसका मतलब है सन 2022 में इन दोनों की तलाक हुई। उससे पहले भी कुछ अरसा कबल फिरोज़ खान और दुआ की मुलाकातें होती रही, यही वजह है कि इन दोनों की डिवोर्स हो गया। और अब सन 2024 यानी डिवोर्स लेने के ठीक 2 साल के बाद फिरोज़ खान ने मोहब्बत यानी दुआ को पा लिया और दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको फिरोज़ खान का कपल किसके साथ अच्छा लगता है, अलीज़े के साथ या फिर इनकी नई नवेली दुल्हन दुआ के साथ? अपनी राय में जरूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स।